आज आरा में विवाह मंच से राजीव प्रताप रूढ़ी ने सवाल पूछा, हमारे पूर्वजों द्वारा सौंपा गया समृद्ध बिहार तो पिछड़ा बिहार क्यों है? आज विश्व में बुलंदियों पर बिहारी हैं, फिर बिहार पिछड़ा क्यों? हाईटेक तरीके से आयोजित कार्यक्रम हुआ, ऑडियो विजुअल के माध्यम से हर रिपोर्ट दिखाई गई, आईटी क्षेत्र के प्रतिभा संपन्न युवा हमारे हैं, फिर पिछड़ता जा रहा है बिहार क्यों? बिहारी प्रवासियों की भी चर्चा, कहा वैश्विक प्रतिभा है बिहार के पास, फिर भी बिहार पिछड़ा क्यों? शिक्षक की तरह रूढ़ी ने देश के अन्य राज्यों में कार्यरत बिहारियों की प्रतिभा को पर्दे पर दिखाते हुए व्याख्या की। रूढ़ी ने कहा, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में रफ्तार में भारत बढ़ रहा है, पर बिहार पिछड़ क्यों गया है? पिछले 30 वर्षों की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़ा किया, कहा बिहार में औद्योगिक और रोजगार के चर्चे केवल कागजी कार्रवाई है, देश के विकास में सभी स्तरों पर बिहारी कार्यरत है, फिर भी बिहार पिछड़ा क्यों है? बिहार में देश विदेश से 74,000 करोड़ रुपया भेजते हैं बिहारी, लेकिन फिर भी बिहार पिछड़ रहा है, ऐसा क्यों? जब भी सत्ता हिलती है तब तक गिनती होती है, जब बिहार पिछड़ा है तब हम सब भी पिछड़े हैं। बिहार के लोग देश ही नहीं विदेशों में भी अपने टैलेंट का जलवा बिखेर रहे हैं, हर क्षेत्र में बिहारी आगे है, पर बिहार पीछे है, ऐसा क्यों? नीति आयोग के आंकड़ों में बिहार के भयावह तस्वीर दिखाई पड़ती है। शनिवार को आरा शहर के एक रिसोर्ट में विवाह 2025 मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने उक्त बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि बिहार से बाहर कार्यरत बिहारी करोड़ों रुपया बिहार भेजते हैं, उचित माहौल हो तो वे अपने राज्य में ही करोड़ों की आमदनी करते, साथ ही रोजगार सृजन भी होता। देश के विभिन्न राज्यों में बिहार के लोग छोटे से लेकर बड़े सभी स्तरों पर सभी पदों पर कार्यरत है, फिर भी बिहार पिछड़ा है, ऐसा क्यों? हाईटेक तरीके से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रूढ़ी एक शिक्षक की भूमिका में दिखे और एक नए अंदाज में अलग अलग स्लाइड में ऑडियो विजुअल तरीके से कई रिपोर्ट दिखाई और उसकी व्याख्या भी की। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट को पर्दे पर दिखाकर बिहार की सच्चाई से अवगत कराया। कार्यक्रम में शिक्षा और रोजगार के लिए राज्य के बाहर गए बिहारियों के विजुअल भी दिखाए गए कि वे लोग किस प्रकार बाहर जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन के माध्यम से अलग अलग स्लाइड द्वारा बिहार और बिहारियों की दशा पर आधारित विभिन्न रिपोर्ट को विस्तार से पेश किया। रूढ़ी ने कहा कि हमारे पूर्वज हमारे लिए समृद्ध बिहार छोड़कर गए थे, पर आज उसी बिहार का हाल क्या हुआ है यह किसी से छिपा नहीं है। हमारा वही समृद्ध बिहार आज पिछड़ा बिहार हो गया है क्यों? हमारे बिहार के युवा रोजी रोटी के लिए देश के अन्य राज्यों में भटक रहे हैं। हमारे समृद्ध बिहार का आज क्या हाल है यह सब हम देख रहे हैं। अब हमें सोचना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कौन सा बिहार सौंपेंगे, समृद्ध बिहार या पिछड़ा बिहार? रूढ़ी ने आगे कहा कि बहुत पहले से राज्य सरकार प्रयासरत थी कि जाति के आधार पर जनगणना हो, लेकिन कानून समाप्त नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। अंततः सरकार से अलग होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार के लोगों को 250 जातियों में बांटा है, जिसके आधार पर उनकी गणना की जाएगी। आखिर ये गणना क्यों की जाएगी? इससे पिछड़े राज्य के गरीब की गरीबी कम होगी या जातियों की? आइए सुनते हैं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान और भी क्या कुछ कहा। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, हम तो साफ साफ कहे हैं कि हम तो बिहार के बड़े सवाल को उठा रहे हैं और बिहारी पूरे भारत और दुनिया में आगे और बिहार पीछे क्यों, इसमें मुख्यमंत्री का बात कहां से आ रहा है? दबे स्वर में ये भी आवाज यहाँ चर्चा हो रही है कि किसी एक जाति को एकत्रित किया जा रहा है और उसका एक मैसेज दिया जा रहा है। आप किस जाति से? हम तो मान लीजिए पत्रकार है, तो कोई जाति नहीं। तो मैं भी देता हूँ, मेरा भी कोई जाति नहीं, तो वो गलत बात है। सही है, आप जब आपका आपकी जाति पत्रकार है तो मेरी जाति राजनीति है, बस इतना ही। सर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, सर आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया है। रोजगार के प्रसंगी में अगर राजीव प्रताप रूढ़ी जी की बात की जाए, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बिहार के कितने लोगों को रोजगार के लिए अवसर प्रदान किए थे? आप फिर एक सवाल का उत्तर आप नहीं पूछ रहे हैं कि मैं बिहार की जब बात कर रहा हूँ तो बिहार के परिस्थिति के लिए हर राजनेता के साथ अपने आप को भी जिम्मेवार ठहरा रहा हूँ। सवाल ये है कि पिछले 30 वर्ष या 5 वर्ष नहीं, पिछले 70 वर्ष में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों बना, इसी सवाल के उत्तर के तलाश में मैं आपके पास भी आया हूँ। तो सर आगे कैसे बढ़ेगा बिहार ये बताइए ना सर।
पहले तो मेरे सवाल का उत्तर हो जाए ना कि बिहार पिछड़ा क्यों, फिर उसके उत्तर हम पिछड़ा तो सभी जानते हैं सर, तो सभी नेताओं से पूछिए ना। प्रशांत किशोर अगर कोई यात्रा पर निकला और बिहार के अच्छे के लिए निकला है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और प्रशांत किशोर अगर की इच्छा है बिहार का विकास हो स्वागत है, हर आदमी का जो बिहार के विकास की बात करे उसका स्वागत है। रूढ़ी जी, 30 सालों के बाद अचानक राजीव प्रताप रूढ़ी को बिहार पिछड़ा लगने लगा? और नहीं, बिहार मुझे पिछड़ा नहीं लगने लगा, मैं बिहार के राजनीति में था और 30 साल से मैं हूँ। मुझे लगा कि ये समय आ गया है कि मैं इस विषय को बिहार के लोगों के सामने रखूँ। परिणाम क्या निकलता है नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है और जो मेरा 38-35 साल का अनुभव है, एक बार बिहार से बात कर लेने का, और परिणाम क्या होगा कैसे होगा। लेकिन बिहार इस सवाल को कि बिहारी पूरे भारतवर्ष में आगे, तो बिहार बिहार पीछे है, 12 करोड़ जनता इतनी पीछे है। जातिगत आरक्षण की बात आपने कही कि पिछड़ेपन का एक कारण बनेगा, नीतीश कुमार आपको मैंने पूरा नहीं, मैं किसी राजनेता को, नीतीश कुमार ने भी अच्छा ही काम किया है, लालू यादव ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, जगन्नाथ मिश्रा, मुझे उसमें नहीं पड़ना है। मुझे सिर्फ एक ही सवाल का उत्तर चाहिए कि आखिर 70 साल में सब नेताओं ने जो बिहार की खूब सेवा की है, तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? सर पिछड़ापन के पीछे बीजेपी का भी तो हाथ है। आप शायद सुने नहीं, मैं 70 साल में बिहार के पिछड़ेपन का कारण लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूँ, और बिहार के लोगों को कह रहा हूँ कि जो भी नेता आपके पास है उससे पूछे कि बिहार पिछड़ा क्यों। सर आप जिस क्षेत्र से आते हैं।